YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओ मेरी बीवी की मौसी का लड़का है संजय लीला भंसाली, काफी देर से उसकी चर्चा हो रही है। वो साला है कि नहीं है? वो मंच पर कहते हैं गाली मत देना, मैंने कहा मेरी बीवी की मौसी का लड़का है तो उसको साला कह सकता हूं ना। तो आपका भी साला हुआ कि नहीं हुआ? तो साले के लिए जोरदार तरीके से एक बार कहते कि अगर बंसाली दिल्ली के आसपास भी पद्मावती फिल्म की कॉपी लेकर नजर आया तो तेरे को उल्टा बंबई की टिकट कटवा देंगे। कौन है संजय लीला भंसाली? कौन सी हरकत की है इसने? इस संजय लीला भंसाली ने वो हिमाकत की है जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों और मुसलमानों ने नहीं की थी। ये जयचंद की औलाद, ये नालायक व्यक्ति, ये संजय लीला भंसाली, अगर हम मिलकर इनको दो दो जूते मारे तो इसकी टांग पर कितने बाल रहेंगे ये आप समझ सकते हो ना? कौन कौन इसको दो दो जूते मारेगा? हाथ खड़े करो। ये बहन जी आप जूते नहीं मारोगे, चप्पल मारोगे इसको आप। अगर आप इसको जूते मारने का प्रस्ताव पास करते हैं तो एक बार जोरदार तरीके से मेरी बात का समर्थन करें। हम इसको जूते मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अरे अपनी बहन को नचा के दिखा संजय लीला भंसाली, मैं उसके ऊपर 2,000 की गड्डियां बरसाऊंगा। ये पद्मावती को, ये महारानी पद्मावती को ये घूमर डांस करके जो पिक्चरों में दिखा रहा है, मैं इसकी बीवी को नचाना चाहता हूं। और क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज से हूं, ये शेर सिंह राणा हमारे बीच में बैठा है, इसने उसको सबक सिखाया जिसने क्षत्रियों के ऊपर हमला किया। मैं इस नमन करता हूं इस क्षत्रिय गौरव को, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाया। मैं संजय लीला भंसाली के ऊपर कुछ ज्यादा बोल गया क्योंकि इसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, 2 पैसे की औकात नहीं है। मित्रों, हमारी तरफ जो उंगली उठाता है हम उसका वो हश्र करते हैं जो शेर सिंह राणा ने। हम डुगडुगिया बजाना जानते हैं, हम एहसास कराना जानते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे मैनपाल सिंह राघव जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने मकवाना साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके लिए भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मकवाना साहब कौन? महिपाल सिंह मकवाना वो जिसने दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात की थी। तो जिसने नाक काटने की बात की जरा तालियां बजाकर उसका भी अभिनंदन करो। मकवाना साहब आप बैठे प्लीज। आप लोग वो आवाज हैं, आप क्षत्रिय समाज की वो आवाज है जो आज मीडिया के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। मैंने एक बात कही थी क्योंकि जब शेर सिंह राणा और महिपाल सिंह जैसे महापुरुष यहां पर बैठे हैं तो इनके लिए इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि एक एपी सिंह तो शेर का बच्चा है, मेरे साथ खड़ा है साहब। इन्होंने एक बात कही थी कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मैं कहता हूं ये अंतिम हिंदू सम्राट हम कहना बंद करते हैं। ये जितने भी महाराज बैठे हैं, ये जितने भी रियासतों के लोग बैठे हैं, क्या ये हमारे हिंदुस्तान के सम्राट नहीं है? अगर ये हिंदुस्तान के सम्राट हैं तो जोरदार तरीके से एक नारा मेरे साथ और लगाएं, जय राजपूताना, जय राजपूताना। 535 रियासतों को ठगने वाले वो लोग जिन्होंने हमारी रियासतों के साथ वादे किए, जिन्होंने हमारी रियासतों को धोखा दिया, जिन्होंने हमारी रियासतों को लूटा, उन्होंने इस देश के ऊपर अनेकों साल राज किया। मित्रों, अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है। महेंद्र सिंह तंवर की आवाज में आवाज मिलाने का समय आ गया है। शेर सिंह राणा तिहाड़ तोड़कर गया और कहां से? काबुल से पृथ्वीराज चौहान की माटी उठा कर लाया।
ये क्यों, ये शेर सिंह राणा को सपना क्यों आया, ये हर एक क्षत्रिय को क्यों नहीं आया? मैं कहता हूं, जो नाक काटने की बात करते हैं, जो 5 करोड़ रुपए संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने के लिए कहते हैं, मित्रों अगर हमें 10 करोड़ भी देने पड़े तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? परंतु महेंद्र सिंह तंवर कहते हैं, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, परंतु अगर कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ आंखें उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ना जानते। बहुत हो गया, बहुत राजपूतों के साथ खिलवाड़ कर लिया। प्रेम चोपड़ा आता है, ठाकुर बनता है, बलात्कार करता है। कौन? प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी। अरे कौन हो भैया तुम? अरे भांडो, राजपूतों को विलेन दिखाते हो, ब्राह्मणों को ढोंगी दिखाते हो और मुसलमानों को अपना बाप दिखाते हो। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बेटे ने तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया था। उस अलाउद्दीन खिलजी की रोल कौन कर रहा? रणवीर सिंह। कहता है, मुझे अगर बस चले तो मैं और काम कर सकता हूं। अरे हम तेरी माँ को नहीं, हम तेरी बीवी और बहन को भी सम्मान देना चाहते हैं, परंतु अगर तूने महारानी पद्मनी के सम्मान में शब्द नहीं बोले, अपने शब्द वापस नहीं लिए, तो तेरा इलाज भी करना चाहते हम तेरी टांगों को तोड़कर तेरे हाथ में दे देंगे। जो आता है राजपूतों का ऊपर पिक्चर बनाता है, जो आता है जोधपुर के ऊपर पिक्चर बनाता है, जो आता है हमारे राजा महाराजाओं के पिक्चर बनाता है। मैं कहता हूं, उस दाऊद इब्राहिम के ऊपर जब पिक्चर बनती है तो उसका फोटो दिखाने में डर लगता है। 300 करोड़ रुपए संजय लीला भंसाली की औकात नहीं, 3 करोड़ की, और 300 करोड़ कहां से आए? मोदी जी, भैया सुनो, मोदी जी बोलना तो पड़ेगा। बहनों भाइयों, बोलना तो पड़ेगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं हरियाणा स्टेट का, परंतु मित्रों अगर मुझे भाजपा से त्याग पत्र देना पड़े तो मैं दूंगा, परंतु मोदी जी बोलना पड़ेगा, राजनाथ सिंह जी बोलना पड़ेगा, गडकरी बोलते हैं। मैं वसुंधरा जी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं, वो कहती है कि फिल्म के अंदर काट छाट करनी पड़ेगी। अरे वसुंधरा जी, काट छाट तो छोड़ो, हम इस फिल्म को चलने ही नहीं देंगे। आप ही महारानी, पहली बार हिंदुस्तान के राजघरानों की महारानियां सड़कों पर तलवारों को लेकर आई है। आज महारानियां, हमारी बहन बेटियां सड़कों पर आई है, हमारे साथ में महारानी बैठी है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम कहानियों में सुना करते थे। परंतु अगर हमारे उन पूर्वजों के ऊपर, हमारे उन रियासत और राजाओं के ऊपर अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप संख्या बल पर मत जाना, यहाँ पर तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अनेकों अनेक प्रदेश के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, परंतु बहनों भाइयों, बोलना तो पड़ेगा। वोट लेने के लिए राजपूत, मुसलमानों की ऐसी तैसी करने के लिए राजपूत, और वोट लेने के बाद अपमान कराने के लिए राजपूत। बोलना तो पड़ेगा मोदी जी, बोलना तो पड़ेगा। गुजरात का चुनाव है, हम आपको वोट दिलाना चाहते हैं, परंतु वोटों की शर्त यह है कि पद्मावती को सेंसर तो बहुत दूर की बात, जो आर्टिकल 6 है उसके तहत देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि इस फिल्म को कूड़े में कचरे में डाल दे तो फिल्म चलेगी। बोलना तो पड़ेगा, परंतु बोलेंगे कब? जब बोलेंगे आप लोग, जब बोलेंगे महाराज लोग, बोलेंगे हिंदुस्तान की आवाज, और इस आवाज को दबाने का किसी में दम नहीं है। लोकतंत्र है मित्रों, ये लोकतंत्र सर गिनता है सर, और जो हमारे कौम के ऊपर आग उठाने की बात करता है, मैं उस मेरठ के नौजवान को बधाई देना चाहता हूं, केवल मात्र 5 करोड़ का इनाम। मित्रों अगर कोई गर्दन काट के लाएगा तो 10 करोड़ तो हम देंगे, परंतु 10 करोड़ के बाद उसके परिवार का पालन पोषण भी हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बोल।
करो। तो भैया मीडिया के मित्रों, 5 करोड़ का इनाम बदल के 10 करोड़ कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।